ता इतिहास सबुबले विजयर तिलकरे लेखा हो नहले रक्तरे लेखा हो एक कथा जणे संग्रामी चाहे जीवन जेते मूल्यवान हेउ ना काहे माटी मा आग एक कथा जणे संग्रामी कहे। नयगढ़ जिला रणपुर रो ए माटी पराधीन भारत रे ए माटी रे जन्म नैथिले दुई उज्ज्वल नक्षत्र गडजात जन आंदोलन रु बिहार रो भागलपुर जेल रे फासी स्वल्प समय रो आयुष्य काल भितरे ओडिसा तथा भारत को देथिले स्वाधीनता संग्राम रो महावार्ता रणपुर माटी रो वीर संग्रामी रघु दिवाकर। उन्नीस अड़चाश मसीहार कथा ये गड़जात राज्य मानक अत्याचारी और शोषण सर्वस्व शासन मुक्त होगापाई विभिन्न अंचल मानक प्रजामंडल गठन कराए। नयगढ़ रणपुर अंचल प्रजा मानक नहीं मेली चले गढ़ा हुए प्रजामंडल। प्रजामंडल संपादक और संगठन संपादक भाव जो दुईज कार्य करती सेमाने हेले रणपुर माटीर दुई उद्यमान युवक रघुनाथ महांती और दिवाकर परिडा। ये सेई अगणा जो अगणारे दिने दीपटीए जली उठिथिला ये सेई घर जो घरे दिने कहार शुभ मनासी माँ षठी ठाकुराणी पूजा पाइथिले सत्यनारायण पाखरे पंचामृत भोग लागेथिला। से दिन हुए तो कही जानी नथिले एई दीपटीए दिने ओडिसा तथा भारत आकाश रे उज्ज्वल नक्षत्रटे हुई चीर दिन पाई जली रहिब। हाँ आमे कहुछु रणपुर माटीर आउ एक उज्ज्वल नक्षत्र रघुनाथ महांती कथा। रणपुर अंचल बाद भूंका समय 1910 मसीहा जुलाई मासर एक बर्षा धुआ सकाळ ग्रामर नटवर महांती और लावण्य देवी कोलमंडन करती आज समय रे भारतर पूर्व आकाशे उज्ज्वलतम ज्योतिष्क साजिथिबा वीर शहीद रघुनाथ महांती। समय गड़ी चले शिशु रघुनाथंक बयस बढ़ी चले कुआ कुआरु माँ डाक पुणी चाटशाली पाठ तापरे खोर्धा स्थित बक्सी जगबंधु हाईस्कल स्कूल शिक्षा से समय राजा और अमला अत्याचार देखि किशोर मन संकल्प नहीं से दलित निष्पेषित जनतार हक लड़े परवर्ती समय रे ताहा ही हेला। रघुनाथ महांती दिवाकर पैडा मिसी प्रजामंडल नेतृत्व को निज हाथ में नहीं प्रजा मानक विभिन्न प्रकार जंत्रणा विभिन्न प्रकार कर को देवा मना करते प्रजामंडल शासन में विभिन्न प्रकार स्वाधीनवादी चिंताधारा को विस्तार करते समय लोक मैंने भाषण से अभिमुक्त हो से राजा अधीन रहा स्वीकृत दे रघुनाथ जणे साहित्यानुरागी सबरबाला तांकर रचित एक पुस्तक जो पुस्तकर गोटे धाड़ी से समय अबुझा राजा को लगला जे रघुनाथ तांकु अपमानित करिछंती। राजा जणे पक्षाघात रोगी होइथिबारु रघुनाथ तांकु आक्षेप करिछंती बोली कुहंती आउ सेही धाड़ीर निर्दिष्ट शब्दटी थिला एकांग चक्रवर्ती जेउथिपई रघुनाथंकु दंड थिला इलाका पारी एणु बाध्य होई रघुनाथंकु रणपुर छाड़ीबाकु पड़िथिला। प्रजा सेतळे बहुत दरदार करती तेणु प्रजा आंदोलन आरंभ कले ये गड़वाणी शिव मंदिर ठार प्रजा आंदोलन आउ ये भी लेखालेखी भी करती शिव जणाण भी लिखिंट आहरी भी बहुत बही लिखिंट। दिवाकर से सूर्य से सकल शक्तिर आधार रणपुर माटीर स्वाधीनता संग्रामी मानकर शक्तिर आधार थिले सी तांकरी आह्वान रे मेली बांधिथिले रणपुर अंचल शह शह दलित निष्पेषित प्रजाकूल प्रजाकूल हित पाई दिने बिना दोष रे बिना प्रतिवाद रे हसी हसी से चढ़ीथिले फासी खुंट। रणपुर तथा ओडिसा माटीर गर्व शहीद दिवाकर परिडा। तुमे रणपुर को फेरी आस किए तुम कौन कर मु देखी जहांकर धाड़ीटीए चिठीरे सेदिन रघुनाथ सतसिंहर साहस नहीं रणपुर फेरी आसीथिले सी दिवाकर परिडा रघुनाथ महांतींकर पिलादिनर बंधु। सेदिन दुई बंधुंकर मिलन मणिकांचनर संजोग समथिला एही ठारु दुई बंधुंकर जीवनधारा पुणी थरे साथी होई चलिला
ତାହା ପୁଣି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ଆଉ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଠୁ ବି କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଦରାନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଏଠି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପ୍ରେସ୍ରେ, ରଣପୁର ପ୍ରେସ୍ରେ ଇଏ ରହିଲେ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ବହୁତ ବହିପତ୍ର ସେତିକିବେଳେ ଲେଖନ୍ତି। ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ। ଦିବାକରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୁଏ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ଦିବାକର, ଆଉ ଗାଆନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ମାଲିକ ଆମେରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଆମର। ଦିବାକର ପ୍ରଜାମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟେ ଏକ ଅଘଟଣ। କ୍ରୁର ମେଜର ବେଜଲଗେଟ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦାଯାଏ ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଜଲଗେଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ରଣପୁରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବି। ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଲା ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେଦିନର ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳକୁ ଆଜି ବି ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ନୀରବରେ ଗାଁ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ବାରି ରୂପକ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼େ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଣପୁର ଜେଲ୍ ଓ ପରେ ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। 1941 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ଭୋର 4 ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ରଣପୁର ଆକାଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳ ଆସୁଛି, ସେହି ସକାଳକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରଘୁ ଦିବାକର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ହସି ହସି ଝାଡ଼ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁ ଦିବାକର ରଣପୁର ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନ, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଶେଷ, ଯାହା ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରଣପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି। ରଣପୁରିଆଟେ ଆଜି ଗର୍ବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ରଘୁ ଦିବାକର ମାଟିର ପୁଅ।